इस पहले आप सभी को करना है, इस बैकग्राउंड को सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले आना गाइस, ठीक है। तो मैंने अपने मॉडल को लिया है एंड इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से ही इसका रखा है एंड जिसको बैकग्राउंड इसका नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सिंपली जाकर वीडियो को देख के रेस कर लेना। तो बस मैंने अपने मॉडल को लिया है, ठीक है। तो आप सभी को भी डन नहीं करना गाइस, ठीक है। तो आप सभी को ऐड फोटो में जाना है, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को विंग्स के पिंच लेना गाइस, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसको हम जेंगिस वाले ऑप्शन में एंड गाइस को हम कर देंगे नीचे, ठीक है, डाउन की तरफ, ठीक है। तो एंड इसको हम कर देंगे साइज बड़ा का रखना है गाइस, ठीक है। तो अब गाइस अभी आपको डन नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो आप सभी को करना क्या है, ऐड इसमें ऐड फोटो में जाना है गाइस, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को लेना ये वाला पीएनजी, ठीक है गाइस, इसका ईगल का, ठीक है। तो गाइस इसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस इसके बाद आप सभी को करना है इसको जूम करना है, ईगल के पीएनजी को गाइस साइज छोटा करना है, ओके गाइस। एंड उसके बाद आप सभी को इसको डाउन कर देना गाइस, ठीक है। डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउन कर देना एंड गाइस के बाद आप सभी को ऐसे ऊपर की तरह और एंड गाइस को थोड़ा रोटेट करके इस तरीके से यहाँ पे लगाना गाइस, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी का क्या काम रह जाता है गाइस, पहले इसको फिक्स कर लेना अच्छे से, एकदम ऐड कर लेना एंड गाइस अभी भी आपको डन नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो अभी भी डन नहीं करना है, अभी आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है गाइस, ठीक है। एंड ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। अभी पहले मतलब इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ गाइस, तो इसको हम फिर गाइस जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये वाला पीएनजी लेना गाइस, ठीक है, ये वाले विंग्स के, जो कि गाइस इससे लगेगा कि गाइस हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। इसके मतलब पंखे जो है हमारे ऊपर आ रहे हैं गाइस, जैसे घुमा के हमें मतलब ढक रखा है। तो गाइस इसके बाद आप सभी करना क्या गाइस, ठीक है। तो आपके पीछे वाले जो विंग्स हैं गाइस, ये ना आप सभी को थोड़ा वैसे लग रहे हैं वाइट, तो हमसे एडजस्ट हो जाएंगे एंड इसकी ब्राइटनेस को हम कम कर देंगे गाइस, ठीक है, ब्राइटनेस को कम कर देंगे, ओके गाइस। एंड इसके बाद सैचुरेशन को भी कम करेंगे थोड़ी, मतलब देखेंगे गाइस, ठीक है, छेड़छाड़ के कहीं कुछ हो रहा हो तो, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है गाइस। सो अभी हमारे ये हो चुका है। तो गाइस अब क्या करना गाइस, आप सभी को ऐड फोटो में जाना है गाइस दोबारा, ठीक है गाइस, सॉरी गाइस मैं यहाँ पे आ गया। ऐड फोटो में जाना है गाइस आप सभी को, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस इस हमारे का पीएनजी लेना है गाइस, ठीक है, ये वाला। एंड इसके बाद गाइस इसको आप करना गाइस को मतलब कि इसको भी आपको डाउन करना है गाइस, ठीक है, ताकि जो आपके ऊपर जो विंग्स है इसके नीचे चले जाएगा, ओके गाइस। तो उसके बाद क्या काम रह जाता है गाइस आप सभी को, आपको उसका साइज को छोटा रखना है, ओके गाइस। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को उसको इरेज करना सिंपली, मतलब गांव जहाँ जहाँ से। तो गाइस पहले हम इरेजर टूल में जाएंगे, हार्डनेस को फुल कर देंगे एंड गाइस सिंपली हम इस तरीके से इरेज करेंगे गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो आप भी कर लेना एंड गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया था चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि यार आपके लिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं यार, सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मैंने इसको इरेज कर लिया, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत रह रहा था, मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट से, ये थोड़ा गाइस मैंने इसको यहाँ पर मतलब इरेज कर चुका हूँ। तो गाइस आप सभी को सिंपली क्या करना है, यहाँ से सिंपली डन करना है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी का काम रह जाता है गाइस, ऐड फोटो में चलता है पहले गाइस, ठीक है। तो इसके बाद हम इस वाले पीएनजी को ले लेते हैं, ये जो आई के ऊपर लगाना है गाइस, ये वाला पीएनजी, तो इसको हम ले लेते हैं सिंपली एंड गाइस के बाद हम इसको छोटा करेंगे एंड इसको अपने आईज के पास ले जाएंगे, आई के पास, ठीक है भाई। एंड उसके बाद क्या करना है आप सभी को, इसको सिंपली इस तरीके से ऐड करके फिर जाना ब्लेंडिंग मोड में, ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद गाइस आप सभी को इसको रखना ओवरले, ओके गाइस, ओवरले रखना है एंड सिंपली करना है यहाँ से डन, ओके गाइस। सो अभी हमें हमारे सारे बैकग्राउंड पीएनजी तो लग चुके हैं गाइस, तो हम ऐड फोटो में एक पीएनजी और लगाना है गाइस पार्टिकल का लास्ट, ठीक है, पार्टिकल नहीं गाइस उसका सॉरी लाइट का, ठीक है। तो गाइस हम इसको अभी रेड कलर में करेंगे, तो पहले हम ब्लेंड पे जाकर स्क्रीन करते हैं एंड उसके बाद चलते हैं इफेक्ट्स में, ठीक है, इफेक्ट्स में चलते हैं एंड उसके बाद गाइस आपको कलर में जाना है, ठीक है गाइस। एंड कलर में जाने का गाइस आपको कलराइज में जाना है एंड इसके ह्यू को आपको माइनस कर देना पूरा, तो गाइस देखिए रेड कलर में आ जाएगा एंड हम सिंपली इसको यहाँ पे करेंगे। एंड गाइस अभी हमें इसे डार्क करना है, हम इसे डार्क करेंगे वो भी गाइस हम करेंगे हम लाइट रूम के अंदर, तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। सो हमने इसको लगा लिया एंड सिंपली डन करना है एंड गाइस अभी लास्ट पीएनजी रह जाता है हमारा पार्टिकल का, तो गाइस हम सिंपली अब उसको लगा लेते हैं। सो गाइस ये रहा वो पीएनजी एंड ऐसे सिंपली डन करते हैं, ठीक है। एंड इसको जूम करके हम इसके साइज़ को बड़ा रखेंगे, बड़ा करके सिंपली इस तरीके से ब्लेंडिंग मोड इसका रखेंगे हम स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन रख लेते हैं एंड डन करते हैं गाइस, ठीक है, सिंपली डन करते हैं। एंड जो भी है मतलब इसमें कलर करेक्शन जो कि हम हमेशा लाइट रूम ऐप के अंदर करते हैं, तो सिंपली हम फोटो करते हैं ऐसे सेव, ठीक है, फोटो सेव करते हैं चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। सो गाइस अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि यार आप सभी का भाई आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, मैंने काफ़ी मेहनत से यार ये बैकग्राउंड पीएनजीज ढूंढे हैं, तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है। तो अब हमने फोटो को ऐड कर, सो हम अपनी फोटो करेंगे गाइस ओपन, ठीक है गाइस। तो उसके बाद गाइस सबसे करना क्या, हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो हम इसे ऑन कर ओपन करते हैं एंड उसके बाद गाइस सबसे जो लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है गाइस नीचे, इस पे जाते हैं गाइस, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को कम करते हैं गाइस, ठीक है, हाईलाइट्स को कम करते हैं गाइस, शेडो को भी कम करेंगे गाइस, ठीक है, एंड ब्लैक को भी कम करेंगे,
क्योंकि गाइस हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक है, तो हमारी फोटो भी पूरी ब्लैक बनेगी, ठीक है। तो हम इसके वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं, मिक्स में जाएंगे गाइस, रेड कलर के ह्यू को बढ़ाएंगे एंड सैचुरेशन को भी बढ़ा देंगे गाइस, ठीक है। देखिए गाइस अब थोड़ा डार्क हो गया हमारा रेड कलर, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे एंड ले जाएंगे गाइस नेक्स्ट कलर में, ऑरेंज वाले में ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को कम कर देंगे, ठीक है। एंड ये इसमें ब्लू कलर में जाएगा इसकी सैचुरेशन माइनस, एंड येलो कलर को इसकी भी थोड़ी सी सैचुरेशन माइनस करनी है, एंड ग्रीन कलर की थोड़ी सी, ठीक है। तो चलते हैं गाइस नीचे वाले टूल में, क्लियरिटी को बढ़ा देते हैं गाइस, ठीक है। एंड विगनेट तो डालना ही है, तो गाइस विगनेट डालेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस क्या कहा जाता है हमारा ग्रेन अमाउंट, तो गाइस ग्रेन अमाउंट डालेंगे एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड नोट डायरेक्शन को बढ़ा देंगे एंड कलर नोट डायरेक्शन को भी बढ़ा देंगे। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।